बड़वानी शहर के बड़गांव में नमकीन गोदाम में देर रात को लगी आग, जिसकी चपेट में आने से कारखानों में रखी मशीनों सहित नमकीन आदि सामान जलकर हुए राख। बड़वानी शहर के बंधन रोड स्थित बड़गांव में नमकीन गोदाम में देर रात लगी आग। मौके पर नगर पालिका की दमकल पहुंची, जिसकी मदद से आग पर काबू पाया गया है। आगजनी से करीब 50 से 55 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। मौके पर नगरपालिका एवं पुलिस विभाग का अमला पहुंचा, जहां पर पंचनामा बनाया गया। व्यापारी श्री कांत वागे द्वारा करीब 50 से 55 लाख रुपए का नुकसान होने की बात कही जा रही है। व्यापारी श्री कांत वागे ने बताया कि उन्हें सुबह करीब 4 बजे चौकीदार द्वारा सूचना मिली कि गोदाम में आग लग गई है। इसके बाद फायर ब्रिगेड से आग पर काबू पाया गया। आगजनी से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। कारखाने में लगे सीसीटीवी की फुटेज जब देखे गए तो उसमें साफ तौर पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगना दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि बड़ा नुकसान हुआ है। घटना में नमकीन की मुख्य मशीन पूरी तरह से जल चुकी है, साथ ही आसपास लगी दूसरी मशीन भी आग की चपेट में आई है। वही कच्चा सामान भी पूरी तरह से जल चुका है। वागे ने दुखी मन से बताया, बैंक से कर्ज लिया हुआ है, अब क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारे शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसमें शॉर्ट सर्किट में रात को 2:30 बजे के समथिंग कुछ आग लगी, जो हमने कैमरे के उसमें देखी है सीसीटीवी में। फिर उसके बाद जो है लगभग 4 बजे के आसपास हमारे चौकीदार ने हमको सूचित करा कि यार ये यहाँ ऐसी कुछ आग लगी है, तो आप हम जब थोड़ी देर में जब मौके पे आए तो फायर ब्रिगेड बुलाई, पुलिस को बुलाया और अभी कार्यवाही चल रही है। मशीनें हैं, मिक्सिंग मशीनें हैं, पैकेजिंग प्लांट है जो उधर की साइड भी लगा ये, और कुछ और काफी सारा रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड जो कंप्लीट माल बना है वो भी जल्दी राख हो गए। अनुमानित अभी जो अभी तक की जो निकाली वो कुछ 52 से 55 लाख रुपए की लगभग नुकसान हुआ। डीजेन अनुज निर्मल बड़वानी। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।